नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पार्टी सिस्टम। तो पार्टी सिस्टम क्या होता है और वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टी सिस्टम होता क्या है। तो पार्टी सिस्टम को समझने के लिए हम समझेंगे कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कंपीट करती हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, या इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी एक देश के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, या वो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, इस सभी को हम बोलते हैं पार्टी सिस्टम। तो मोस्टली दोस्तों होता क्या है कि दुनिया के जितने भी देश हैं मोस्टली उनके अंदर तीन तरीके के पार्टी सिस्टम काम करते हैं। सबसे पहला वन पार्टी सिस्टम, दूसरा टू पार्टी सिस्टम और तीसरा मल्टी पार्टी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम की। दोस्तों वन पार्टी सिस्टम की बात की जाए तो वन पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या फिर सिस्टम वेयर देयर इज ओनली अ सिंगल पार्टी अलाउड टू कम्पीट द इलेक्शन एंड गवर्न द स्टेट। इसको हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा देश, एक ऐसा सिस्टम जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, वही चुनाव लड़ती हो, वही देश को चलाती हो। तो ऐसा पॉसिबल दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका ये कि उस देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरीके से फ्रेमवर्क करता हो, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया हो कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को कानूनी मान्यता मिली हो और उसके अलावा बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को लीगल तौर पर रिकॉग्निशन नहीं मिला हो। और दूसरा तरीका दोस्तों यह भी हो सकता है कि जहाँ पर जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी है वो इतनी मजबूत है कि वो देश के अंदर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इस हिसाब से क्रिएट कर देती है कि वहाँ पर कभी भी कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको चैलेंज ही ना कर पाए, या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देती है देश के अंदर जहाँ पर कोई भी अपोजिशन पार्टी ना ही कोई भी अपोजिशन लीडर उसको चैलेंज कर सके और देश के अंदर पावर को गेन कर सके। दोस्तों अगर बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के, तो सबसे पहला एडवांटेज इसका यही है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम काम कर रही हो, सिर्फ एक ही पार्टी हो, उसकी अनमैच्ड पावर्स हैं, तो ऐसे देश के अंदर सरकार को चलाना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उसके पास उसके खिलाफ कोई भी अपोजिशन पार्टी काम करने के लिए नहीं है, ना उसके ऊपर कोई लगाम है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो सरकार है वो देश को बड़े आराम से गवर्न कर सकती है, कोई भी पॉलिसीज़ बिना किसी रोक टोक के ला सकती है। लेकिन दोस्तों इसके एडवांटेजेस से ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हो, इन सच अ सिचुएशन देर इज़ अ सर्टेन चांसेस द डिक्टेटरशिप रिजाइम कुड बी इमर्ज इन द स्टेट, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक रिजाइम बहुत ही जल्दी अथॉरिटेरियन रिजाइम में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ अपनी मनमर्जी के हिसाब से करेगी, ऐसे चांसेस होंगे, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे चांसेस हैं कि कोई भी पार्टी तानाशाही का रूप ले सकती है। दोस्तों तो ये फ़ायदे नुकसान की बात है। अगर हम बात करें, ये सिस्टम काफ़ी देशों में था पहले फॉर्मरली सोवियत यूनियन हम पढ़ते थे, कोल्ड वॉर के अंदर सोवियत यूनियन के अंदर सिर्फ एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा मैक्सिको के अंदर भी काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ वन पार्टी सिस्टम रही, वहाँ पर PRI पार्टी का डोमिनेंस था। और आज के टाइम पे हम बात करें तो चाइना के अंदर ऐसा हम देखने को मिलता है कि वहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही कानूनी तौर पर मान्यता मिल रखी है। तो ये सारा था हमारा वन पार्टी सिस्टम। आगे हम लोग बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम के बारे में। दोस्तों टू पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, एक ऐसा देश, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर वोटर्स के पास मोस्टली दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल होती हैं, वो उनको वोट देके जिताते हैं, जिसमें से ए या फिर बी, जो दो पार्टीज होती हैं उनके पूरे चांसेस होते हैं कि वो लेजिस्लेचर के अंदर मेजॉरिटी हासिल करके देश को गवर्न करती हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है द USA। अमेरिका के अंदर दोस्तों टू पार्टी सिस्टम है जहाँ पर पूरा अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी के आसपास घूमता है, पहली पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। तो ये है टू पार्टी सिस्टम। बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के, तो सबसे पहला दोस्तों इसका एडवांटेज है कि जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब लोगों के पास सिंपल चॉइस है, दो पार्टीज़ हैं उनको वोट देते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि कोई भी सरकार बड़ी स्थिर होती है, बहुत स्टेबल गवर्नमेंट होती है,
उसे गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरे एडवांटेज की बात करें, वोटर्स के पास बहुत ही क्लियर चॉइस होती है, उनको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है, या तो ए पार्टी को वोट करना है या फिर बी पार्टी को, तो वोटर्स के पास बहुत सिंपल चॉइस होती है और ये जो प्रोसेस होता है टू पार्टी सिस्टम का बहुत ज़्यादा ईजी होता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस का यही है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर वोटर्स के पास दोस्तों ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती, उसके पास गिन चुन के सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, उसके बाहर जाके वोटर्स ज़्यादा नहीं सोच सकते दोस्तों। उसके अलावा दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो दूसरा डिसएडवांटेज है कि ऐसे देश के अंदर जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम हो वहाँ पर पूरे पूरे चांसेस हैं कि कोई भी तीसरी अपोजिशन पार्टी नहीं आ सकती या फिर कोई भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट या कोई भी माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को देश के सामने रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि पूरी जो पार्टी सिस्टम होता है, पूरी जो पॉलिटिक्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी डोमिनेट करती हैं, इसलिए किसी भी तीसरी पार्टी को मौका नहीं मिलता है। कोई छोटी पार्टी या फिर एक ऐसा ग्रुप जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हो, वहाँ के कमज़ोर सेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की। दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही सिंपल है जहाँ पर दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हों जिनके पास पूरे पूरे चांसेस हों कि वो सरकार बना सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं, कम्पीट कर सकती हैं, पूरी फ्री हैंड होता है उनके पास। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जहाँ पर उनके पास पूरे मौके होते हैं कि वो सरकार बनाने या फिर चुनाव लड़ने का। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है इंडिया का। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। रीजनल लेवल पे अलग पार्टीज़ हैं, नेशनल लेवल पे बहुत सारी अलग पार्टीज़ हैं, तो वोटर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है मल्टी पार्टी सिस्टम का इंडिया का। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अब बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस की, तो यही है कि वोटर्स के पास बहुत क्लियर चॉइस होती है, वोटर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो उसकी पसंद की पार्टी है, उसका वोट कर सके। अगर एक पार्टी ढंग से काम नहीं करती तो वोटर्स दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं, अगर दूसरी पार्टी भी इनको पसंद नहीं आती वो तीसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं, तो वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो ये सबसे पहला एडवांटेज। बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की, तो वो ये है कि जो वोटर्स होते हैं उनके पास चॉइसेस के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इसको हम आसान भाषा में समझें कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं कि देश के कोने कोने से कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ना एक पार्टी ज़रूर होती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज यही है कि जहाँ पर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इतनी सारी वेरिएशंस होती है, इंडिया की बात कर लेते हैं, तो ऐसे केस में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी लेना बहुत मुश्किल काम होता है। और जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, ऐसे केस में एक कॉलिशन सरकार बनती है जिसको हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर सरकार बनाती हैं। और जहाँ पर कॉलिशन सरकार की बात आती है तो वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अनस्टेबल मतलब उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि पार्टी या सरकार बहुत जल्दी अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दे, जैसा कि हम इंडिया में बहुत सारे केसेस में देखते भी हैं। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि हालांकि लोगों के पास चॉइसेस हैं बहुत सारी पार्टीज़ की, लेकिन ये उसकी कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी ऐसे कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं कि वोटर्स अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए सही है और कौन सी पार्टी उनको बेवकूफ़ बना रही है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है मल्टी पार्टी सिस्टम का। बाकी हम लोग इंडिया में रहते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे लिए समझना या एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये पूरा था हमारा लेक्चर आज का पार्टी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में बात की पार्टी सिस्टम की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई कमेंट है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।